हूँ क्या हो गया है भाई। तो इसका जरा सा स्मार्टली थोड़ा सा देखना पड़ता है, कोई चमचा मांग रहा है, कोई कभी होता है ना कस्टमर मैस में उस तरह से आपसे बोल रहा होता है कि नहीं ये लिया है वो लिया है चपाती लिया है रोटी या कुछ ऐसा इशारा हो सकता है, जरा स्मार्ट बन के मैस में थोड़ा सा रहें। फिर खाने के बाद मेज से बर्तन जब आप उठाते तो किचन में नहीं पहुंचाना है, किचन के अंदर जो डिश वॉशिंग एरिया है उस तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर गंदे बर्तन आपने किचन में कहीं भी रख दिए तो फिर वो सारे जरासीम पूरे किचन में फैल जाएंगे, तो डिश वॉश एरिया में हमेशा बर्तन पहुंचाएं। फिर इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है खाने की मेज के हवाले से, जब टेबल सेटअप की बात कर रहे हैं तो हम इस पर जरा सी बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है जब डिनर टेबल की बात करते हैं उसमें से तीन चीजें जितनी भी चीजें आपको लगी हुई नजर आ रही है ये सारी की सारी तीन उसूलों पे है। कौन कौन से देखिए, एक चीज होती है डिनर वेयर। डिनर वेयर में क्या शामिल है, क्या क्या लफ्ज लिया मैंने, डिनर वेयर, ठीक है। डिनर वेयर में है प्लेटें प्याले पिर्च प्लेटर और जितनी भी पेश करने वाली चीजें वो सारी की सारी क्या कहलाती, डिनर वेयर। अब अगर आप देखें मैंने लाल रंग से डिनर वेयर लिखा हुआ है तो लाल दायरे में जो आपको चीज नजर आ रही है वो क्या है, डिनर वेयर। ये सारा डिनर वेयर है और ये डिनर वेयर। दूसरी चीज होती है फ्लैट वेयर। फ्लैट वेयर मतलब ये आपको ब्लू सर्कल में नजर आनी, जितनी भी तरह के चमचे हो कांटे हो छुरियां हो किसी भी टाइप की हो तो सारी की सारी क्या कहलाती, फ्लैट वेयर। क्या कहलाती, फ्लैट वेयर। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको अगली स्लाइड में बता चलेगा। तीसरी हम चीज ग्लास वेयर। ग्लास वेयर जाहिर है इसके बाद एक ही चीज रह गई है इस पूरे सेटअप में और वो है ये गिलास, चाहे एक तरह के हो दो गिलास हो तीन गिलास हो तो सारे के सारे गिलास वेयर। चाय की प्याली वगैरह भी गिलास वेयर में आती है क्योंकि जितनी भी पीने की चीजें हैं वो सारी की सारी गिलास वेयर में आती है। तो डिनर टेबल में यानी जो आपकी मेस की टेबल है एक आदमी का जो सेटअप है उसमें तीन तरह की चीजें लगी हुई है, डिनर वेयर फ्लैट वेयर गिलास वेयर। क्यों मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ये समझते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि अब पहले देखते हैं डिनर वेयर सजाने के कुछ उसूल हैं क्या है। हर इनफिरादी सजावट के दरमियान, इनफिरादी कहते हैं एक आदमी के लिए जो सेटअप लगाया, ये सेटअप कितने आदमियों का है, एक आदमी का सेटअप है ना, तो एक आदमी का जो सेटअप लगाया है तो जब दूसरे आदमी का सेटअप लगाओगे तो इन दोनों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, 20 से 24 इंच का फासला अंदाजन इतना, ठीक। यानी कि दूसरा सेटअप लगा रहे हो जब तीसरा लगा रहे हो तो इनके दरमियान जो फासला है इस मैट के दरमियान वो लगभग इतना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं जगह की वजह से, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि इनके दरमियान होना कितना चाहिए सॉरी तो आपको पता होना चाहिए कि 20 से 24 इंच। ये बात समझ में आ गई नहीं मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज प्लेट हमेशा मेज के किनारे से एक इंच अंदर हो, बिल्कुल किनारे के साथ। अच्छा ये प्लेट है तो इसके साथ यूं मिलाना नहीं बल्कि थोड़ा अंदर रखना ताकि उठते हुए ये चांस ना रहे, खाते हुए थोड़ा आगे खिसक आती है ना वे बदले यहाँ आ गई और बंदा उठता तो प्लेट ही पलट गई, या मैट भी अंदर रखते हैं इसीलिए थोड़ा टेबल के किनारे से कि बंदा उठे तो मैट भी साथ में लेके ना उठ जाए, गिलास विलास कोई पलट ना जाए, कोई सालन तो नहीं पड़ लगता लेकिन गिलास वगैरह चांसेस होते हैं कि कोई लुढ़क सकता है, तो इसको एक इंच दूर रखना जरूरी है। ये जो बी एंड बी प्लेट कहलाती है ब्रेड एंड बटर प्लेट, जिसको हमारे यहाँ क्वार्टर प्लेट कहते हैं, छोटी वाली जो प्लेट होती है वो चूंकि ओरिजिनल डिनर टेबल में तो ब्रेड एंड बटर के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन हमारे यहाँ अमूमन हम चपाती के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ऐसे ही है। तो देखिए उसकी ओरिजिनल जो जगह है ना वो तो फोक के ऊपर है उल्टे हाथ, लेकिन चूंकि हम चपाती के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आप सीधे हाथ पे रख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, लेकिन ये लिखा हुआ भी है कि उल्टे हाथ की जानी होगी लेकिन हमारे माहौल के हिसाब से इसे दाई जानी राइट साइड पे भी रखा जा सकता है। फिर कप पिर्च प्याली वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये रखनी है तो रखी गिलास के बराबर में जाएगी, इस तरफ कहीं नहीं रखेंगे आप ग्लास वेयर के साथ पीने वाली चीजें। फिर नैपकिन, आप तो टिश्यू पेपर वाले नैपकिन इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली आप ग्लास में डाल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप ग्लास में ही डालो, आप नैपकिन को तय करके इस बीच वाली जगह पे भी रख सकते हैं, आप नैपकिन को तय करके फोक के साथ भी रख सकते हैं, ये मर्जी है आपकी अलग अलग। नैपकिन तो इसलिए लगाते हैं नैपकिन ना हो तो कोई पानी नहीं पीता है उस ग्लास में,
नैपकिन ना हो, ना हो तो उसमें गिलास पानी नहीं पिएगा कोई भी, समझा नहीं? अगर वो समझते हैं कि झूठा गिलास, हाँ झूठा समझते हैं पहले, ऐसा कॉन्सेप्ट है खाली, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि होटल्स में कुछ नहीं होता ऐसा, होटल में नैपकिन आपने यहाँ पे होता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है लगाने, लेकिन अगर कभी आपका दिल चाहे तो ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कहीं लगाएं, फिर उसके बाद आप समझ लें दो जगह है, या तो आप इस वाली जगह पे रखेंगे, अगर प्लेट रखी है तो प्लेट के ऊपर, प्लेट नहीं रखी तो खाली जगह पे, और या इस तरफ रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ क्लाइंट इतराज करते हैं उसके ऊपर, कोई बात नहीं, आप ग्लास में लगाते रहना, बुराई नहीं है उसमें, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, उसमें कोई मना नहीं है। और दूसरा प्लेट भी हम इसी तरह नहीं रखते ना, आप लेफ्ट ये वाली कह रहे हैं ना, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट कोई प्लेट नहीं रखते, सुने ना, मुझे पता है कि आपकी प्लेट तो वहां होती है, लेकिन सेटअप के वक्त तो आपको जगह तो चाहिए ना बीच में, ये तो तस्वीर एक मैंने लगाई हुई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप प्लेट यहाँ रखें, प्लेट तो आपकी बहन मेरी के बराबर में रखी होती है, लेकिन आप सेटअप तो लगाते हैं, कस्टमर लाके उसी जगह पे प्लेट रखता है ना, वो तो जस्ट आपको समझाने के लिए रखी गई, मैं नहीं कह रहा कि आप, मैंने आपसे जिक्र किया कि प्लेट लगा, प्लेट नहीं लगाया, प्लेट की टेंशन ना, लेकिन आपको पता तो है ना कि ये प्लेट की जगह है, इसके दोनों तरफ सेटअप लगना है। अब फ्लैट वेयर के दरमियान छोटे छोटा सा फर्क देख लेते हैं, एक तो सूप का जो चम्मच है ना वो चाय के चम्मच से थोड़ा बड़ा और गहरा होता है, गोल, आपके यहाँ वो कौन से सूप के चम्मच, स्टील के ही इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपने देखा होगा थोड़ा सा गोल होता है, थोड़ा सा गहरा होता है,